नमस्कार, मैं रवीना एमएनएस न्यूज लाइव से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। यह वारदात सोनीपत जिले से दर्शाई जाती है। थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी पर लड़की से रेप करने का मामला सामने आया है और जिससे तंग होकर लड़की ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज की। सोचिए, जब सुरक्षा में तैनात पुलिस पर ही भरोसा न हो तो ऐसे में लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। उधम सिंह नगर की यह वारदात दर्शाई जाती है। इस बीच प्रेमी के प्यार में पागल विवाहिता ने ही पति की करवा दी हत्या। प्रेम प्रसंग का खुलासा होने पर पत्नी ने ही अपने सुहाग की जान ले ली। फिलहाल पुलिस ने हत्या की इस राज से पर्दाफाश खोल दिया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी महिला के पिता ने ही दी जानकारी। यह वारदात दिल्ली की दर्शाई जाती है। प्रारंभ की विवेचना के दौरान ये तथ्य सामने आए कि इसमें मृतक की पत्नी सुमन के अपने जो साथी हैं सुनील, उनके साथ अवैध संबंध थे। इन संबंधों के कारण इन दोनों ने अपने पति को सुमन ने अपने पति को रास्ते से हटाने की सोची और पूर्व नियोजित घटना योजना के तहत रात्रि को अभियुक्त सुनील उनके घर पर आया। इनकी कहा सुनी हुई, उसके बाद सुनील के द्वारा गला दबाकर गुरमीत की हत्या कर दी गई। बाद में दोनों ने ही उस शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से पंखे से लटका दिया। छुपाने के उद्देश्य, साग से छुपाने के उद्देश्य से इन्होंने ये प्रचारित किया गया कि गुरमीत के द्वारा फांसी लगा ली गई। पुलिस ने कड़ी पूछताछ की। इसमें इकबालिया बयान में दोनों ने स्वीकार किया है गवाहों के समक्ष कि उनके द्वारा अवैध संबंधों के चलते हुए ये हत्या की। इसमें परिस्थितिजनक साक्ष्य हमें मिले हैं, साथ में ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ कि मृत्यु का कारण गला दबाने से हत्या हुई है। आज इन दोनों को गिरफ्तार करने के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। गाजियाबाद के कवि नगर इलाके में मनोज नाम के युवक को मारी गोली। मनोज अपनी बहन के साथ दादरी से गाजियाबाद आ रहा था, उसी दौरान बदमाशों ने बहन की आंखों के सामने मारी गोली। बताया जा रहा है कि मनोज की बाइक को ओवरटेक किया और मनोज के साथ की लूटपाट। इस दौरान बहन ने चिल्लाई तो उसी दौरान मार दी गोली। उनकी आपस में हॉट टॉक हुई और गोली चली मौके पे, जिसमें कि उन लोगों ने उस लड़के को गोली मार दी, जो बदमाश थे उन्होंने गोली मार दी उस लड़के को और उसकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में ले जाने के बाद। पूरे घटनाक्रम में मुकदमा पंजीकृत जो है वो किया जा रहा है। जल्दी इस घटना का वर्कआउट किया जाएगा। एग्जैक्ट जो भी इसके इंटेंशन है वो सभी सामने आएंगे और जल्दी इसे वर्कआउट किया जाएगा। सर, वहीं दूसरा मामला एक हो रहा है जहां एक दंपत्ति अपनी कार में जा रहा था और पेट्रोल पंप के सामने घटना है जहां उनके ऊपर ही फायर किया गया, ऐसा उनका कहना है। हाँ, संभवतः इस तरीके की भी एक घटना हुई है जिसमें दोनों घटना संभवतः लिंक्ड हैं और एक चार पहिया गाड़ी पे बोनट पे फायर लगा है और यहाँ से जो बदमाश वो भागते हुए जा रहे थे तो उन्हीं ने संभवतः फायर किया। पास का ही वो घटनास्थल है, संभवतः लिंक है। जल्दी दोनों घटनाक्रम जल्दी वर्कआउट होगा। मैंने सर यहाँ पे देखा है, यहाँ पे जो उनके पास पीछे जो लेडीज बैठी हुई थी, वो भैया जो थे जिनके गोली लगी वो रोड पर गिर गए थे। अच्छा। तो उन्होंने चीखा, यहाँ पे कोई और तो था नहीं, एक मुल्ला जी थे जो पीछे थे उनके, वो भी बेचारे सीधे चले गए। लेकिन हम यहाँ से भाग के गए दुकान पे, जब तक देखा था वो मोटरसाइकिल वाले पीछे इसमें अंदर बढ़ गए। दो लड़के थे बाइक पे हेलमेट लगा रखा। हाँ जी, दोनों ने हेलमेट लगा रखा बाइक पे। बाइक कौन सी थी? बाइक तो सर मुझे याद नहीं है कौन सी बाइक। आवाज हुई थी गोली की? हाँ, ब्लैक कलर की। इन्होंने कहा दुकान है क्या? ना, गोली की आवाज तो सर हमने सुनी नहीं। दुकान है क्या तुम्हारी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिल सिंह। क्या देखा आपने अभी यहाँ? हाँ, गोली लगा दिया, वहाँ गोली चला के नार का गोली मार दिया। कौन किन लोगों को मारी गोली? कौन लोग थे? दो आदमी थे, मोटरसाइकिल लगा दी, जनानी पीछे बैठी वही चाबी निकाल के और फट गोली मार दी। गोली कैसे मारी थी? नार पे था। आवाज सुनी थी आपने गोली? हाँ, गोली की बात सुनी। ये तो देखा भाई, पुलिस वाले उठा के ले गए ये बाबा। जब यही हुए काटते साथ में दिया पुलिस को? हाँ। नहीं नहीं, वो अपने आप ही उठा के ले गए। क्या नाम है आपका? एक मोटरसाइकिल पाए, हेलमेट लगा रखा था और बाइक आगे लगा दे, मुझे मेरठ का रास्ता, मैं कहाँ थी मेरठ का रास्ता आ गया, चीज उतारा, उनके चीज उतारा, बहन की गर्दन पकड़ लिया ऐसे पीछे से।
गर्दन पकड़ के एक जने ने मनोज का गर्दन पकड़ लिया, चीज तारा क्या लगा ना चीज के तारा बाइक की चाबी खींच ली, खेती चीज के नाम लेते उन्होंने यहाँ गोली मार दिया। आप मार मनोज कहाँ जा रहा था अपनी बहन? मनोज बहन के अपने घर से आ रहा था, है तो रहने वाला, घूमना था, गांव गांव गया था, दुर्याई से आ रहा था, अपनी मौसी के लड़के गोद भर आ रही थी, अपने घर आ रही थी। मतलब दोनों भाई बहन आ रहे थे? भाई बहन। मनोज काम क्या करता है? काम तो भाई वो कुछ नहीं करता, अभी पढ़ भी रहा वैसे अपना। क्या उम्र है मनोज की? मनोज की 23 साल में लग रहा है। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।